हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंडर एडवांस एजुकेशन दिस इज ट्रेजर ऑफ नेचर अ बुक ऑफ इन्वेंट स्टडीज ऑफ क्लास थर्ड एंड माय नेम इज ज्योति एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन फिफ्टीन इन दिस बुक दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन वी हैव अपलोडेड फर्स्ट पार्ट अर्लियर यू कैन वॉच ऑन दिस चैनल ऑल्सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को दिस इज़ द कॉन्टेंट लिस्ट ऑफ दिस बुक ये इस बुक की कॉन्टेंट लिस्ट है और हम अभी तक लेसन फो फिफ फोर्टीन तक कवर कर चुके हैं फिफ्टीन का भी एक पार्ट हमने अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पर आप वहाँ से उसको देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेसन फिफ्टीन पढ़ रहे थे जिसका नाम है बर्ड्स इस चैप्टर में हम बर्ड्स के बारे में पक्षियों के बारे में पढ़ रहे थे और फीदर्स कवर कर चुके हैं हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फीट पक्षियों के अलग अलग तरह के जो पैर पाए जाते, जाते हैं पंजे पाए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं द शेप ऑफ द फीट डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट ऑफ द बर्ड एंड द टाइप ऑफ फूड इट इट्स देखिए जो पैर का आकार होता है पंजे का आकार होता है पक्षी का वो डिपेंड करता है कि वो कैसी जगह पर रहता है और वो कैस किस तरीके का खाना खाता है डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ़ क्लॉज अलग अलग तरह की चिड़ियों के अलग अलग तरह के क्लॉज पाए जाते हैं लेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट एन एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स हम अब फीट के टाइप्स को पढ़ेंगे और बर्ड्स का एग्जाम्पल भी देखेंगे साथ में कौन कौन से पक्षियों के पाए जाते हैं सबसे पहले हैं वेडिंग फीट वेडिंग फुट द वेडिंग फुट हेल्प्स द बर्ड टू वॉक इन टू वाटर टू कैच देयर फूड जो वेडिंग फूट होते हैं वो पक्षियों को पानी में चलने के लिए हेल्प करते हैं और अपना उनका जो भोजन होता है उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं क्रेन्स एंड क्रेन्स एंड आर हैविंग वेडिंग फूड जो क्रेन होते हैं और जो बगुले होते हैं उनके वेडिंग फूड होते हैं तो वो पानी में जाकर के मछलियों कीड़ों मकोड़ों को पकड़ते हैं आपने देखा भी होगा बात करते हैं क्लाइंबिंग फीट के बारे में द क्लाइंबिंग फूट गिव्स अ वेरी फर्म ग्रिप फॉर क्लाइंबिंग देखिए जो क्लाइंबिंग फूट होते हैं वो पक्षियों को बहुत मजबूत मजबूत पकड़ प्रोवाइड कराते हैं मतलब जो कूद रहे होते हैं कहीं पर या चढ़ रहे होते हैं चढ़ना कूदना नहीं चढ़ना जब वो किसी चीज़ पर चढ़ रहे होते हैं तो उसको मजबूती से वो पकड़ लेते हैं वुड पेकर्स एंड पैरट्स आर आर हैविंग क्लाइंबिंग फूड वुड और जो पैरट होते हैं उनमें क्लाइंबिंग फूड होते हैं वो आसानी से किसी भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं बात करते हैं स्विमिंग फूड की द स्विमिंग फूड इज़ वेब्ड टू हेल्प हेल्प द बर्ड पुश थ्रू वाटर देखिए इस तरीके के जो फूट होते हैं ये वेब्ड टाइप के होते हैं वेब्ड फूट इनको बोला जाता है और ये पानी को आगे पुश करने में बर्ड की पानी को आगे पुश करने में हेल्प करते हैं पानी के अंदर बर्ड तैरती है ना तो उसको पानी को हटाने में साइड करने में जिस, तर, जिस तरीके से तैरते हैं तो उसमें ये हेल्प करते हैं बर्ड्स की डक्स एंड पेंगुइन्स हैव आर हैविंग स्विमिंग फूड जो डक होती हैं और पेंगुइन पेंगुइन्स होती हैं उनमें इस तरीके के फिट पाए जाते हैं बात करते हैं पार्चिंग फूड के बारे में द पार्चिंग फूट हेल्प द बार टू होल्ड द ब्रांच टाइटली टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ देखिए इस तरीके की जो फुट होते हैं फिट होते हैं पक्षियों में वो पक्षियों को हेल्प हेल्प करते हैं कोई भी ब्रांच को टाइटली पकड़ने में ताकि वो उससे गिरे नहीं वर्ब्लर्ड्स एंड स्पैरो आर हैविंग पर्चिंग फूड वर्ब्लर्ड्स और स्पैरो किस तरीके के, के फीड पाए जाते हैं वॉकिंग फूड के बारे में बात करते हैं द वॉकिंग फूड हेल्प द बर्ड्स टू रन एंड वॉक फास इस तरीके के फूड बर्ड की हेल्प करते हैं बहुत तेज मतलब दौड़ने में और बहुत तेज चलने में ईमो एंड ओस्टिच आर हैविंग वॉकिंग फूड ईमो और ओस्टिच के इस तरीके के फूड पाए जाते हैं बात करते हैं ग्रेस्पिंग फूड के बारे में द ग्रेस्पिंग फूड हेल्प द तो बर्ड टू तो कैच इट्स प्रे एंड कैरी इट ग्रेस ग्रेस्पिंग फूड बर्ड्स की हेल्प करते हैं उनके जो प्रे है शिकार है उसको पकड़ने में और उसको दूर कहीं ले जाने में हॉक्स एंड आउल्स आर हैविंग ग्रेस्पिंग फूड जो बाज होता है और उल्लू होता है उसमें इस तरीके के फूड पाए जाते हैं ग्रेस्पिंग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज अलग अलग तरह के जो क्लॉज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं अभी तक हमने पढ़ा था फूड uh, के बारे में हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे ग्रेस्पिंग एंड रैप्टर्स सच क्लॉज आर लार्ज एंड कर्ब सो दैट द बर्ड कैन स्नैच इज फूड हॉक एंड आउल्स आर हैविंग ग्रेस्पिंग फूड ग्रेस्पिंग क्लॉज इस तरीके के जो क्लाउज होते हैं वो पक्षियों को हेल्प करते हैं उनके फूड को स्नैच करने में छीनने में हॉक्स एंड आउल्स आर हैविंग ग्रस्पिंग क्लाउज इस इस तरीके के जो पैर हैं वो बाज के और उल्लू के पाए जाते हैं बात करते हैं पर्चिंग क्लॉज के बारे में सच क्लॉज हेल्प द बर्ड होल्ड टाइटली ऑन टू अ ब्रांच ऑफ ए ट्री इस तरीके के जो पैर होते हैं जो क्लॉज uh, होते हैं वो पक्षियों की हेल्प करते हैं पेड़ की ब्रांच को टाइट पकड़ने में ताकि वो उससे गिरे नहीं स्पैरो एंड रॉबिन्स आर हैविंग परचिंग क्लॉज स्पैरो और रॉबिन के इस तरीके के पैर पाए जाते हैं बात करते हैं स्क्रैचिंग क्लॉज सच क्लॉज आर शार्प एंड कम आउट ऑफ द कर्व्ड नेल ऑफ द टो टू हैव द बर्ड स्नैच स्क्रैच सॉइल फॉर फूड इस तरीके के जो क्लॉज होते हैं वो शार्प होते हैं और कर्व उनमें जो नेल होता है वो कर्व शेप का नेल होता है उंगलियों में उसकी में जो बर्ड की हेल्प करते हैं मिट्टी को खोदने में खोदने में जिससे वो अपने फूड को उसमें से मिट्टी में से निकाल सकें पिकॉक एंड कोक आर हैविंग स्क्रैचिंग क्लोज पिकॉक और कोक में इस तरीके के क्लॉज पाए जाते हैं चलिए बात करते हैं नेस्टिंग के बारे में बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू एग्स जो पक्षी होते हैं वो अंडा देने के लिए अंडा ले करने के अंडा अंडा देने के लिए अपने नेस्ट को बनाते हैं दे यूज मटेरियल एज ट्विक्स ट्वाइन वूल कॉटन एंड ड्राई ग्रास टू बोल्ड नेस्ट जो पक्षी होते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियों का धागों का और ऊन वगैरह का कॉटन वगैरह का जो रुई होती है या सूखी घास वगैरह का यूज़ करते हैं इन इंडिया नेस्ट आर यूजअली बिल्ट ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन बिटवीन फेबररी एंड मार्च भारत में जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन में बनाते हैं मतलब फरवरी से मार्च के बीच का जो सीजन होता है उसमें अपने घोंसले को बनाते हैं वी मे अ स्पैरो और अरोबिन ने हेज हमने स्पैरो का और जो नेस्ट रॉबिन होता है उसका जो घोंसला है वो झाड़ियों वगैरह में देखा होगा सम बर्ड्स बुल्ट इनसाइड पीपल हाउस कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो लोगों के घरों में भी घोंसला बना लेते हैं पीजन्स मे बिल्ड नेस्ट इवन ऑन फेंस दैट आर नॉट इन यूज़ जो पीजन होता है आपने देखा होगा वो अपना जो घोंसला है जो नेस्ट है वो घरों में बनाता है यहाँ तक कि वो फैन के ऊपर भी जो बंद पड़े हुए पंखे होते हैं उनके ऊपर भी अपना घोंसला बना लेते हैं नेस्ट टॉल ग्रास ऑन द ग्राउंड और जो पीकॉक होते हैं वो लंबी लंबी घासों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं द लेजी कुकू डू डज नॉट बॉर्डर टू बुल्ड इट्स ओन नेस्ट बट ले इट्स एग इन नेस्ट जो कोयल होती है कुकू होती है वो बहुत ज़्यादा आलसी होती है वो कभी भी अपना घोंसला खुद से नहीं बनाती है इसकी मुसीबत वो कभी नहीं लेती कि वो अपना घोंसला बनाए, वो अपने अंडों को जो उसके एग्स होते हैं उनको किस में देती है कोए का कोए के घोंसले में देती है अपने अंडों को कहाँ देती है कोए के घोंसले में देती है द वेवर्स बर्ड द वेवर बर्ड एंड द टेलर बर्ड मेक ब्यूटीफुल नेट और जो वेवर बर्ड होती है और टेलर बर्ड होती है बहुत सुंदर घोसले बनाती है द वेवर बर्ड्स नेस्ट हैज़ रूम्स एंड द एंट्री इन द्राम द बोटम द वेवर बर्ड्स नेस्ट हैज़ रूम्स जो वेवर बर्ड होती हैं उसके घोसले में रूम होते हैं एंड द एंट्री इज फ्राम द बोटम और नीचे की साइड से उनकी उस घोसले की एंट्री होती है देखो इस तरीके का है ये ये आ, नेस्ट है और इसकी जो एंट्री है ये यह यहाँ से है और इसके अंदर रूम्स भी होते हैं। टेलर बार्ड यूजेस इट्स लॉन्ग थिन बिग टू स्टिच लीफ्स टुगेदर एंड राई ग्रास वूल और थ्रेड फ्रॉम अ स्पाइडर स्पाइडर्स वेब टू मेक इट्स नेट जो टेलर बर्ड होती है वो अपनी लंबी सी लंबी सी पतली सी चोंच का यूज़ करके पत्तियों को एक साथ सिलती है घास से सिलती है ऊन वगैरह से या फिर किसी धागे से धागा ये आपका स्पाइडर वेब से भी हो सकता है और इनसे इन सब इन मिला मिलाकर के वो अपने घोंसले को बनाती है पेंगुइन्स पेंगुइंस नेस्ट ऑन द ग्राउंड और जो पेंगुइन होती हैं वो अपना घोंसला ज़मीन पर ही बनाती हैं दे यूज पेबर्स एज नथिंग एल्स इज फाउंड इन द कोल्ड रीजन्स वेयर दे लीव वो ज़्यादा कुछ और कुछ यूज़ नहीं करती केवल जो कंकड़ पत्थर होते हैं मतलब आप ये जो पैंगुइंस होती हैं ठंडे क्षेत्रों में रहती हैं तो वहाँ पर उनको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है तो वहाँ जो कंकड़ पत्थर होती हैं उनका यूज़ करके ही वो अपने घोंसले को बना लेती हैं चलिए बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में वैन द वेदर इज़ टू कोल्ड इन द सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बर्ड्स फ्रॉम दोज पार्ट्स फ्लाई टू वार्मर प्लेसेस देखिए जब कुछ क्षेत्रों में संसार के कुछ क्षेत्रों में जो वेदर होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्षेत्रों में तो वहाँ की जो पक्षी होते हैं वो गर्म क्षेत्रों में गर्म स्थानों में आ जाते हैं समटाइम्स दे फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू रीच द वार्म कंट्रीज़ और कभी कभी तो हज़ारों किलोमीटर वो चलते हैं उड़ते हैं गर्म कंट्री तक जाने के लिए यूजअली दे फ्लाई इन लार्ज ग्रुप ज़्यादातर ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप में उड़ते हैं पक्षी दे स्टे फोर द कोल्ड मंथ्स एंड देन फ्लाई बैक वैन दे वैन द वैदर चेंज वो केवल जब ठंड पड़ती है तभी आते हैं गर्म स्थानों में और जब वेदर चेंज होती है तो फिर वो वापस से वहीं चले जाते हैं जहाँ से वो आते हैं दिस सीजनल मोमेंट ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड माइग्रेशन एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड इस तरीके का जो सीजनल मूमेंट होता है मतलब ठंड पड़ने पर गर्म जगह पर जाना या फिर वापस से अगर मौसम अगर चेंज हो रहा है तो फिर वापस से अपनी जगह पर जाना तो ये सीजनल चेंज है इस तरीके के सीजनल चेंज को माइग्रेशन कहा जाता है और जो बर्ड्स आती हैं ऐसे सीजनल चेंज में उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है द आर्किटिक टर्नस फ्लाइस ओल द वे फ्रॉम दर्किटिक डू दर्ट अंटार्किटिकॉर्म टू लेखिए आर्किटिक फ्लाई करती है आर्किटिक रीजन से मतलब वहां नॉर्थ पोल रीजन जो है वहां से क्योंकि वहां पर ठंड पड़ती है विंटर के सीजन में वो अंटार्कटिक सीज़न अंटार्कटिक रीजन पर आ जाती है साउथ पोलर रीजन पर आ जाती हैं क्योंकि वहाँ का जो मौसम होता है वो थोड़ा गर्म होता है वहाँ पर किस लिए आती हैं अंडे देने के लिए सिमिलरली द फ्लैमिंगोज एंड क्रेन्स फ्राम साइबेरिया कम टू इंडिया टू ब्रीड एंड स्केप इन द कोल्ड इन इन द कोल्ड विंटर इसी तरीके से फ्लेमिंगोज हैं और क्रेन्स वगैरह जो साइबेरिया से आती हैं इंडिया में क्या करने के लिए आती हैं अपने आप की अपनों मतलब संख्या बढ़ाने के लिए अंडे वगैरह देने के लिए आती हैं और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो भारत में आ जाते हैं तो चलिए ये था चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ दिस इज़ द एक्सरसाइज सबसे पहले हमारे सामने दिए हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बर्ड्स हैव होलो बोन्स जो पक्षी होते हैं उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं फीदर्स हेल्प बर्ड्स इन फ्लाइंग जो फीदर्स होते हैं पंख होते हैं पक्षियों के वो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं बर्ड्स ले एग्स जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं यहाँ पर ये एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको आप नहीं करेंगे नेक्स्ट अ पैरट हैज हार्ड कर्व बीक और जो पैरट होता है तोता होता है उसकी हार्ड कर् बीक होती है फिलिंद ब्लैंक्स की बात करते हैं फीदर्स विंग्स एंड बीक्स आर सम यूनिक फीचर्स ऑफ बर्ड देखिए पक्षियों के कुछ फीचर्स हैं जैसे फीदर्स हैं विंग है बीक हैं है, ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं बर्ड्स के पीजन में बिल्ड नेस्ट इवन ऑन फैन दैट आर नॉट यूज जो uh, कबूतर होते हैं पीजन होते हैं वो अपने घोंसले को बंद पंखों के ऊपर बना लेते हैं बर्ड्स हैव लाइट बॉडी विथ होलोबोन्स पक्षियों की पक्षियों का शरीर हल्का होता है और उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं द सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इज़ called माइग्रेशन जो सीजनल मूवमेंट होता है पक्षियों का उसको माइग्रेशन कहा जाता है द वॉकिंग foot हेल्प द रन एंड वॉक फास्ट वॉकिंग फूट हेल्प करते हैं क्या करने में चल दौड़ने में और तेज़ चलने में बात करते हैं ट्रू फॉल्स की वुड पेकर हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक जो वुड पेकर होता है उसकी लंबी और पॉइंटेड बीक होती है ट्रू है ये द पिकोक हैज ब्लैक फिदर्स मोर के काले पंख होते हैं गलत है बिल्कुल द आर्टिक टर्न इज अ माइग्रेटरी बर्ड आर्किटिक टर्न एक माइग्रेटरी बर्ड है सही है ये पेंगुइन बर्ड नेक्स्ट बिल्ड नेक्स्ट ऑन द ग्राउंड जो पेंगुइन है वो जमीन पर अपने घोंसले को बनाती है द परचिंग फूट हेल्प्स द बर्ड टू कैच इज स्प्रे एंड कैरी इट अवे जो परचिंग फीट होते हैं वो पक्षियों की हेल्प करते हैं उनके शिकार को पकड़ने के लिए और उसको ले जाने के लिए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट एनी थ्री कॉमन फीचर्स ऑफ बर्ड आपको बर्ड के तीन फीचर बताने हैं बर्ड हैज पक्षी होते हैं, उसके, होते हैं।, wings, होते हैं और दोनों में से कोई भी लिख सकते हो एक तो ये है एक सेकेंड इसका आंसर एक तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ फीदर्स विंग्स एंड बिग्स आर समूनिक बिग्स आर सम यूनिक फीचर्स ऑफ बर्ड्स आगे बर्ड्स आप लिख लेंगे इसमें शायद मिस हो गया है इसको आप बर्ड्स इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वाई डू बर्ड्स हैव फीदर्स वॉट आर द थ्री टाइप्स ऑफ फीदर्स बर्ड जो चिड़िया होते हैं पक्षी होते हैं उनके पंख क्यों होते हैं और तीन तरह के पंख के प्रकार आपको बताने हैं बर्ड्स है फीदर टू तो फ्लाई इन द स्काई पक्षियों के पंख उनको आसमान में उड़ने के लिए होते हैं और कुछ फीदर्स यहाँ पर दिए हैं टाइप दिए हैं जैसे फ्लाइट फीदर्स हैं डाउन फीदर्स हैं और बॉडी फीदर्स हैं नेक्स्ट वन व्हाट इज माइग्रेशन नेम सम माइग्रेटरी बर्ड माइग्रेशन इज द मोमेंट टू वन प्लेस टू अनोदर माइग्रेशन क्या है एक मूवमेंट है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पर पक्षी जाते हैं इट अकर ड्यूरिंग टू वेदर कंडीशन और ये किस लिए होता है वेदर uh, कंडीशन जब वेदर चेंज होती है तब होता है सम माइग्रेटरी बर्ड्स आर फ्लिमिंगोस क्रेन एक्सेट्रा ये कुछ माइग्रेटरी बर्ड के नाम लिखे हैं वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट चिड़िया घोंसला क्यों बनाती हैं बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले लेक्स एंड टू कीप देयर यंग वन सेफ चिड़िया जो होती है घोंसला अपने अंडे देने के लिए बनाती हैं और अपने जो बच्चे हैं उनको वो सुरक्षित रख सकें इसलिए वो घोंसला बनाती हैं नेम द पार्ट्स ऑफ बर्ड्स बॉडी बॉडी जो बर्ड्स की बॉडी होती है उसके पार्ट्स आपको लिखने हैं फीदर्स फीट क्लॉज बीक एक्सेट्रा ये कुछ बर्ड्स की बॉडी के पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं तो ये था आज का चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें एक लाइफ स्किल का पॉइंट दिया है वी शुड नेवर हार्म बर्ड्स बाय थ्रोइंग स्टोन ऑन डैम देखिए हमें कभी भी पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए उनके ऊपर पत्थर वगैरह फेंक करके We should never touch their nest और ब्रेक दिस एग हमें कभी भी इसके जो नेक्स्ट है उसको टच नहीं करना चाहिए और इसको नहीं तोड़ना चाहिए इसके जो एग वगैरह है उनको तोड़ना नहीं चाहिए तो ये था आज का चैप्टर आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो